ओ भाई साहब, इतनी सारी गाड़ियां आ रखी हैं, हेलीकॉप्टर भी आ रखा है। तो यार बात कुछ आज ऐसी है कि यार सुबह सुबह मैं अपनी ये नियोन बाइक लेके निकला था, सुबह के बज रहे थे कुछ 5 और मोहल्ले में देखो यहाँ पर चालू हो गई लड़ाई। ठीक है, पर यार मुझे इन लोगों से ही सुनने में आया था कि यार ताजमहल आ गया है यहाँ पर, मतलब इंडिया के साथ विदेशी लोगों का कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या क्या हुआ है मुझे भी नहीं पता, शायद से ये लोग मिल गए हैं और मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो शाहजहाँ का एक ही ताजमहल था, सही बात है, पर यहाँ पर अब दूसरा भी बनवा दिया गया है। वो मजदूर तो मिले नहीं जिनके वो हाथ थे जिनसे वो बना था, इनने आर्टिफिशियल बनवाया है। ठीक है, तो हमने सोचा चलो यार एक बार फेरा तो लगा के आए, क्योंकि देखो पूरा लॉस एंटोस वहाँ पे पहुँच चुका है उसे देखने के लिए, केवल हमारे अलावा और कोई नहीं गया, क्योंकि देखो माइकल पे गाड़ी थी, माइकल भाई फटाफट पहुँच गया अपनी ऑडी लेके, फ्रैंकलिन तो भाई तुम्हें पता ही है दो दो गाड़ियाँ उस पर बेचारे पे, बेचारा मैं ही रह गया था। मैंने अभी किसी को मारा, अभी यहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी ना वहाँ से बाइक छीनी है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसे जाऊँगा तो यार माइकल और फ्रैंकलिन वहाँ पर होंगे, मेरी खूब बेइज्जती मारने वाले और भाभी अमांडा भी होगी वहाँ पर। तो यार फटाफट से मैं ना यहाँ कपड़े वाली शॉप पर आ जाता हूँ और मेरे को लगता है कि यार थोड़े ना कपड़े वपड़े बदल लेता हूँ ताकि टोरा दिखेगा ना थोड़ा, तो बंदे पहचान नहीं पाएंगे कि मैं ड्राइवर था। तो मैं फटाक से जाता हूँ पहले सीधा अंदर। हेलो हेलो, कपड़े दिखा दो। अच्छा वहाँ पर है, ठीक है चलो भाई। उन्होंने बताया कि कपड़े यहाँ पर हैं। तो यार ये कूल लूर सी टी शर्ट पहनूँ या टी शर्ट नहीं पहननी आज मेरे को, आज मेरे को ना ऐसा लुक दिखाना है कि यार फ्रैंकलिन और माइकल देखें तो पागल हो जाए, वो तो बोले अरे भाई साहब ये ट्रेवर तो नहीं हो, समझ रहे हो। ओ भाई आज मैं जाऊँगा एकदम, ओहो क्या लग रही है, क्या लग रही है, जीन्स और मिल जाए ना एक ऐसी मस्त सी, एक सेक्सी जीन्स और मिल जाए बस, और मैं जो कूल डूड बन के जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई ताजमहल आया समझ रहे हो तुम लोग। ओ भाई साहब ये ड्राइवर है क्या। तो यार मुझे ना, मैं तो सोच रहा हूँ कि यार इसको ऐसे ले चलूँ, यार बड़ा सेक्सी लग रहा है बंदा अपना। तो भाई चलो यहाँ पर अपन लोगों ने कुछ सूट वूट पहन लिए हैं, और यार एक टोपी भी ले लेते हैं यार इसी हाथ, यार गंजा ट्रैवल अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको टोपी पहनाएंगे आज एकदम कूल लूड वाली। ठीक है, तो भाई ये वाली टोपी सही है, ब्लैक है ना, तो इसमें थोड़ा ट्रैवल अच्छा सा लग रहा है। तो अब बारी आ गई है फटाफट से ताजमहल पे जाने की, और भाई साहब मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ कि यार मैंने देखा ही नहीं यार लॉस एंटोस में आज तक कभी ताजमहल, अपनी इंडिया में ही तो है एक ताजमहल जो कि आगरा में है। तो यहाँ पर अपनी नियोन बाइक निकालते हैं, एंड भाई सुबह के 5 बज रहे हैं। तो भाई सुबह सुबह 5 बजे मैं यहाँ पर कपड़े वपड़े चेंज करके, एंड भाई पूरा लॉस एंटोस वहाँ पर इकट्ठा हो रखा सिवाय मेरे, मेरे यानी भाई मेरे दोस्त भी मुझे लेके नहीं गए, समझ रहे हो। ताजमहल की इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है ना, फ्रैंकलिन और माइकल तो दोनों साथ में निकल गए, उसकी फैमिली थी, तो मैं यार कहाँ गरीब यार, मुझे कोई पूछता भी तो नहीं है यार, ये नाम के दोस्त हैंगे बस। तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं एक काम करता हूँ फटाफट से यार लोकेशन पर पहुँचता हूँ, तुम लोगों को सीधा वहीं मिलता हूँ, वैसे लोकेशन इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, तुम मेरी ड्राइविंग भी देख सकते हो। तो यार मुझे कुछ ये बात समझ नहीं आई कि यार ये इंडिया और विदेशी लोगों ने मतलब क्या कर लिया है ऐसा कि यार ताजमहल यार जो कि एक ही है, मतलब जिसे बोलते ना कि यार एक ही ताजमहल तो बना था जिसके हाथ कट गए थे वो भी। यार छोड़ो भाई अपने को क्या करना है, उनके हाथ काटे हो पैर काटे हो, पर अपना इंडिया वालों से यहाँ का टाइप हो गया लॉस एंटोस वालों का, तो उन्होंने अभी के लिए सैंपल भेज दिया है। और पर भाई मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूंगा यार, पूरा पूरा लॉस एंटोस की जनता यार वहां पर इकट्ठी हो गई है भाई, मेरे को यहाँ पर केवल गाड़ियां देखो तो आते हुए दिख रही है, जाते हुए ये दिख रहे हैं तुम्हें केवल ट्रक, जाते हुए केवल तुम्हें ट्रक दिख रहे हैं और आते हुए दिख रही है तुम्हें इतनी सारी गाड़ियां, सब कोट वोट पहन पहन के भाई साहब फटाफट निकल लिए। कोई बात नहीं, पर हमने भी यार लुक तो थोड़ा मेंटेन कराया है इस बार, देख इस बार तुम लोग देख के बता नहीं सकते कि भाई ड्राइवर भाई जा रहे हैं। ठीक है, और देखो तुम लोगों को हल्की सी झलक दिखा देता हूँ, रॉन्ग साइड गाड़ी नहीं चला सकता मैं, देखो तुम लोगों को हल्की सी झलक दिख रही होगी, मेरी बाइक भी फुल चमचमा रही है, एंड भाई तुम लोगों को ताजमहल की भी देखो हल्की सी झलक दिख रही होगी। तो भाई कल रात ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल थी, हम लोग यार अपने घर में यार पार्टी वार्टी चल रही थी, क्योंकि यार ड्राइवर तुम बताइए शराब वराब हम थोड़े बहुत पी लेते हैं। तो चलो मेरे भाई इसी के साथ एंट्रेंस की तरफ चलते हैं, और भाई एंट्रेंस कहाँ से होने वाली है यार ताजमहल, भाई क्या सुहाना मौसम और भाई कैसा लग रहा है यार, यहीं से देख के मज़ा आ गया मुझे तो, देख रहे हो यार भाई तुम लोग, देखो यार भाई कितना सेक्सी लग रहा है यार, मस्त भाई। अब तो बस यही है कि फुल लॉन्चिंग इसकी कब हो रही है, जब भाई हम लोग मेरे अंदाज से भाई माइकल को जाना चाहिए, कि देखो यार बड़ी बड़ी पार्टीज होंगी तो यार अपने को कोई नहीं पूछेगा यार, माइकल की वजह से कोई पूछ तो लेगा फिर भी। और भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ, ओ भाई साहब इतनी सारी गाड़ियाँ आ रखी हैं, हेलीकॉप्टर भी आ रखा है, ओ भाई एक से एक बाइक भी खड़ी हुई है यहाँ पे, तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ओ भाई कौन आया, कोई बिल गेट्स आया गया यहाँ पे,
मुझे लग रहा आज तो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी यहीं उतर गया है। भीड़ भी इतनी सारी लग रही है ऊपर, और भाई ताजमहल भी कितना सेक्सी लग रहा है गाइस, तुम लोग यार खुद ही देख सकते हो यार। एक तो पीछे इतना अच्छा व्यू आ रहा है और ऊपर चिड़िया चिमचिमा रही है, नहीं बढ़िया भाई। अब गाड़ियां भी यहाँ एक से खड़ी हैं भाई ताजमहल की। भाई साहब इन लोगों ने तो भाई पहले दिन ही मुझे लग रहा है वायरल कर दिया भाई साहब, लॉस एंड टॉस में ताजमहल। यार देखो छोटी बात तो नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी बाइक को लगा दिया फाइनली, एंड चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं कि भाई क्या सीन होने वाला है। एंड एक बार तुम लोगों को मैं ना ताजमहल के सिनेमेटिक व्यूज दिखा देता हूँ, तो लेट्स गो यार बॉयज। देख सकते हो यार तुम लोग ताजमहल के कुछ सिनेमेटिक शॉट्स, और भाई साहब कितना अल्टीमेट व्यू आ रहा है यार, भाई कितना अद्भुत है भाई साहब। अब तुम लोग अगर रियल वाला अगर तुम लोगों ने देख लिया ना भाई साहब, इसकी बहुत जल्दी ओपन सेरेमनी आएगी जब सारे वीआईपी गेस्ट इकट्ठे होंगे। एंड तुम लोगों को बस मैं एक छोटा सा सिनेमेटिक दे रहा हूँ पूरा राउंड मारकर, और भाई साहब मस्त भाई पूरा, मुझे तो लग रहा है पूरा यहाँ पर ही उतार दिया गया है। पर ये बनाया किसने, उनके तो हाथ कट गए थे गाइस। तुम लोगों को बताओ ना कि यार ये बनाया किसने और ये टाई अप किससे हुआ है, तो मुझे यार जल्दी से बताना जरूर। तो कुछ ये रहने वाला है अपना ओवरऑल व्यू, एंड भाई क्या मस्त लग रहा है, और पानी के अंदर बना रखा, पीछे मौसम इतना सुहाना चल रहा है भाई। फाइनली लॉस एंड टॉस की भी अब इंडिया वाली वाइब आएगी इसमें भी। अभी तक तो यार केवल अपने को कहाँ जाना होता था, जेल हॉस्पिटल, पर अब तो ताजमहल आ गया तो यहाँ फोटो वोटो शूट कर पाएंगे अभी। तो यार पहले ना एक काम करते हैं यार, इतनी सारी वीआईपी गाड़ियाँ आई हुई है ना, तो पहले एक वीआईपी गाड़ी में बैठ के यार थोड़ा लग जाता है कि यार अपन लोग ही चला के लेके आए, तो थोड़ा सा ना वॉक मार के आते हैं, ड्राइवर को दिखा देते हैं कि हाँ भाई तू ही है यहाँ का बिल गेट्स। तो ठीक है यहाँ से हम गाड़ी लेके जाएंगे तो एकदम ऐसा लगेगा लॉयल फील आ रहा है, ठीक है। कोई नहीं बताएगा कि ये गाड़ी चोरी की है, ये गाड़ी हमारी है। तो भाई इसको हम लेके जा रहे हैं वाइन मोड गाड़ी को, और ये जाके लगाएंगे एकदम फुल एक्शन में, एंड चलते हैं ऊपर सीधा, एंड सबसे हालचाल लेते हैं क्या हालचाल है सभी लोगों के। फुल वॉक पे जाएगी आज, कोई भगते हुए नहीं जाएगा। ट्रेवर भाई आ चुके हैं ऊपर, और पूरा भाई साहब ताजमहल के एकदम क्लोज, भाई मैं तो पागल हो गया यार, इतनी सारी पब्लिक यहाँ खड़े होके क्या इसकी दीवारें गिर रही है क्या। मतलब भाई तुम लोग देख रहे हो यार, अभी ना ये आर्टिफिशियल सा भेजा गया है, अभी यहाँ पर आर्टिफिशियल की लॉन्चिंग हुई है जिसमें चार पिलर बना रखे हैं, एंड जिस दिन इसकी पूरी सेरेमनी होगी ना उस दिन भाई जो मजा आने वाला ना, इतने वीआईपी गेस्ट आएंगे और बहुत तगड़ा ही सीन होने वाला है यार। ताजमहल यहाँ पर बताओ आ गया यार, और तुम्हारे भाई ने देख रहे हो फटाफट से यार, अभी तक लॉस एंड टॉस में कोई सोके भी नहीं उठा, कि सुबह के 5 बजे निकला था और मेरे को लग रहा 6 बज रहे होंगे इस टाइम। एंड तुम लोग मौसम देख ही सकते हो, अभी सूरज निकलने ही वाला है यहाँ से, अभी सूरज बस यहाँ से निकलने वाला है, एंड समुद्र की लहरें भाई कितना अच्छा, मतलब इतनी एपिक जगह पे इसको रखा गया है ना, ये सैंपल है, सोचो ओरिजिनल जिस दिन आएगा उस दिन तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो मेरे भाई बस यही तुम लोगों को दिखाना था कि यार लॉस एंड टॉस में भी ताजमहल आ गया, एंड मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब कुछ मार देना। तो यार एक सिनेमेटिक शॉट लेते हुए करते हैं इस वीडियो को, टाटा बाय बाय। एंड तुम लोग देख लो यार ताजमहल यार कितना मौसम लग रहा है, और यहाँ का पानी भी एकदम मौसम लग रहा है, एंड इस टाइम सन राइज होने वाला है तो और ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है।